बिकवाली करने की राय बिकवाली करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में बजाज फाइनेंस का स्टॉक पिछले हफ्ते एक बार थोड़ा ब्रेकआउट देने के मूड में आया था बढ़ा भी गुरुवार शुक्रवार को थोड़ी कोशिश की इसने लेकिन ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा प्रेशर आता हुआ दिखाते exactly. और टिक नहीं पा रहा है और लगभग ये कई सारी एनबीएससी में ये प्रॉब्लम आ रही है बजाज में तो दिख भी रहा है ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग क्वार्टरली अपडेट के बाद भी ज्यादा बहुत कुछ एक्शन हो नहीं पाया सो आई थिंक नया फिलहाल ट्रिगर है नहीं लेकिन आज इसको बिकवाली करने की राय है कि मकवायर की तरफ से इनका एक रिपोर्ट जो आई है बट इंटरेस्टिंग उन्होंने डाउनग्रेड किया है इसे आउट परफॉर्मेंस सीधा न्यूट्रल किया नौ हज़ार एक सौ नब्बे का जो टारगेट था उसे घटाकर सीधा आठ हज़ार एक no सौ नो डाउट स्टॉक अभी भी उसके नीचे ट्रेड कर लेकिन हजार ग्यारह सौ रुपये का टारगेट घटाना छोटी बात नहीं है बड़ा टारगेट कट किया है और मकवाई की बैंक्स और एन बी एफ सी पर पकड़ अच्छी है और उनकी रिपोर्ट पर लोग सुनते देखते हैं तो आई थिंक ये रिपोर्ट पे थोड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है आज के सेशन में 7815 स्टॉप लॉस का लेवल होगा शुक्रवार के हाइस के आसपास का 7690 7615 7550 सात ये तीन छोटे टारगेट हैं अगर 7550 के नीचे गए तो फिर थोड़ा कमजोरी का मामला बिगड़ सकता है सो इसलिए फिलहाल आज के लिए तीन टारगेट लेकर चले बजाज फाइनेंस के लिए ओके तो बजाज फाइनेंस पर भी शॉर्ट है बैंक ऑफ बड़ोड़ा पर भी शॉर्ट दे दिया अनिल जी बट उसके सामने टाइटन में खरीदारी की राय आई है